हेलो दोस्तों, जब भी हम कोई नई जॉब ज्वाइन करते हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट जॉब हो, वहाँ पर एक टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, सेवा शर्तें होती हैं, एक एग्रीमेंट लेटर होता है। अभी जो मैं आपको एग्रीमेंट लेटर या सेवा शर्तों की जो लिस्ट मैं आपको दिखाऊंगा, ये 2011 जिन लोगों ने 12 2011 12 STET जिन लोगों ने पास करके जो लोग टीचर बने थे, उन लोगों ने इसी सेवा शर्त पर सिग्नेचर किया था। और ये पूरा डॉक्यूमेंट है 16 पेज का, जिसको मैं स्क्रॉल करके वन बाई वन आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, 2019-20 का जो STET है, इसमें जिन लोगों को जॉब मिलेगा, उनकी भी अपनी सेवा शर्तें होंगी, उनको भी इस तरह के डॉक्यूमेंट साइन करने पड़ेंगे। और दोस्तों, वो अभी तक रेडी है कि नहीं है गवर्नमेंट जाने, पर वो अभी तक सबके पास नहीं है, वो पब्लिकली नहीं है। ये डॉक्यूमेंट मुझे किसी ने भेजा है जिसने उस टाइम पर ज्वाइन किया था और उस टाइम पर पेपर दिया था। तो इस डॉक्यूमेंट को जब हम देख लेंगे, तो हमें ये पता लग जाएगा कि उस वक्त पर प्रमोशन के लिए क्या नियम था, छुट्टियों के लिए क्या नियम था, सैलरी के लिए क्या नियम था, रिटायरमेंट कब था, या इस तरह के जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, सेवा शर्तें होती हैं, ये तकरीबन 90% वही रहने वाली है जो 2012 में था और जो 2019 में है। साथ में दोस्तों, नियोजन इकाइयां जो बनी थी 2012 में, नियोजन इकाइयां किस तरह से बनी थी, कौन कौन से ऑफिसर थे, TET का कितना मार्क्स उसमें जुड़ा था और एकेडमिक्स मार्क्स कितना जुड़ा था, क्योंकि पिछली बार भी एक बिहार बोर्ड ने पहले STET करवा दिया, उसके बाद नियोजन इकाइयों को दे दिया कि उनके कंट्रोल में है, और उन लोगों ने अपने तरीके से लोगों को बहाल कर दिया, उन लोगों को जॉब दे दी। इस बार क्या होता है अभी तक पूरा क्लियर नहीं है, टाइम बताएगा कि क्या होता है, या बोर्ड सीधे ही नियुक्त करके लोगों को अलग अलग ज़िलों में भेज देता है या नियोजन इकाइयों को देता है। अगर नियोजन इकाइयों को दिया तो फिर करप्शन बहुत अधिक हो जाएगा। बाकी दोस्तों, इस सेवा शर्तों को देखते हैं क्या करके, मैं डॉक्यूमेंट आपको पूरा स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। ये वाला 2019 में भी डॉक्यूमेंट ऐसा ही रहने वाला है, सेवा शर्तें तकरीबन तकरीबन ऐसी ही रहने वाली हैं। ठीक है, ये पहला पेज है, ठीक है, जहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं, काम की बातें लिखी हुई हैं, वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। और बाकी को मैं स्क्रॉल करके जल्दी जल्दी आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये पहला पेज है, इसमें आप वीडियो को पॉज करके अगर आप चाहें तो पूरा पढ़ सकते हैं। छठे पेज से सिक्स्थ पेज से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पर मैं रुक करके एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ये पहला पेज है, ये दूसरा, तीसरा है, जहाँ कहीं भी लगे कि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए आप रुक के पढ़ सकते हैं। जहाँ कहीं भी छठा पेज से मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, या जहाँ कहीं भी इम्पॉर्टेंट चीज़ आएगा वहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अपनी तरफ से। देखिए, यहाँ पर आ गया ये महिलाओं एवं विकलांगों के लिए नियोजन, उसकी कुछ शर्तें जो थीं उस टाइम पे वो लिखी हुई हैं। आयु देखिए, आयु के मिनिमम एज लिखा हुआ है। नियोजन वर्ष की 1 अगस्त को उम्मीदवार को न्यूनतम आयु बेसिक ग्रेड के लिए 18 वर्ष, स्नातक ग्रेड के लिए 21 वर्ष, अधिकतम आयु वही होगी जो राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर विहित किया गया है। विकलांग उम्मीदवारों के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट दी जाएगी। ठीक है, अब नियोजन की प्रक्रिया, ये मेन पार्ट आ गया। आवेदन देखिए, केवल शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवारों से ही आवेदन लिए जाएंगे, मतलब या तो TET पास या STET पास। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि जिसने सी अगर नियोजन इकाइयों को दिया गया, तो जो CBSE TET पास है कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि हर 6 महीने में CBSE भी TET करवाता है, जो ऑल जो पैन इंडिया में अप्लीकेबल होता है, पूरे भारत में अप्लीकेबल होता है, अगर नियोजन इकाइयों को दिया गया तो फिर वो लोग भी एलिजिबल हो जाएंगे, फिर कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। केवल देखिए, इसमें लिखा हुआ केवल शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवारों से ही आवेदन लिए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा जिला के माध्यम में संबंधित नियोजन इकाइयों को नगर शिक्षकों के नियोजन हेतु पदों की संख्या सा सूचित की जाएगी। सरकार द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नगर निकाय के नियोजन समिति के सचिव द्वारा कि सचिव द्वारा विषयवार एवं कोटिवार नगर शिक्षकों एवं अनुदेशक के रिक्त पदों पर नियोजन की सूचना का प्रकाशन पूरे नगर क्षेत्र में किया जाएगा। ठीक है, आवेदन जमा, वैसे दोस्तों ये जो आपके ज़िला का जो DE ऑफिस होता है, जिला शिक्षा पदाधिकारी का ऑफिस होता है, अगर नियोजन इकाइयों के हाथ में गया तो आप उस ऑफिस के चक्कर काटने के लिए तैयार हो जाएं। आवेदन जमा करने हेतु कम से कम 30 दिनों का समय दिया जाएगा। सूचना की एक प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय की सूचना पट पर प्रकाशित की जाएगी। योग्यता
धारी अभ्यर्थियों के द्वारा विहित परपत्र में आवेदन पर पत्र नियोजन समिति के सचिव के यहाँ केवल स्पीड पोस्ट निबंधित डाक से दिया जाएगा। मेघा सूची का निर्माण नगर के नियोजन इकाई के स्तर पर मेघा सूची का निर्माण नियोजन समिति के सचिव एवं प्रभारी जिला कार्यक्रम प्राधिकारी के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। मतलब जो कमेटी होगी, नियोजन इकाई बनेगी, कुछ पॉलिटिशियन टाइप के लोग जो मेयर का इलेक्शन जीत के आते हैं, सॉरी जो काउंसलर का इलेक्शन जीत करके आते हैं, या कुछ ऑफिसर, वो सभी कौन कौन लोग होते हैं कमेटी में, ये भी नीचे लिखा हुआ है। देखिए, बेसिक ग्रेड के नगर शिक्षक के नियोजन हेतु मेघा सूची। मेघा सूची कैसे बनेगी? मैट्रिक परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत जुटेगा, इंटरमीडिएट का जुटेगा, और परीक्षा प्रशिक्षण परीक्षा मतलब जो बीएड डीएलएड कंप्यूटर साइंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है वो जुटेगा। ठीक है, मतलब कि अगर आप कंप्यूटर साइंस की बात करें तो उसमें फिर मैट्रिक और प्लस टू और डिग्री, ये तीनों जुटेगा। उपयुक्त तीनों को जोड़कर 3 से भाग देकर प्राप्त प्रतिशत अंक अभ्यर्थी का मेघा अंक होगा। मतलब इन तीनों के जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स होंगे उनको जोड़ करके और उनको 3 से डिवाइड दे करके ये मेघा अंक कहलाएगा। ठीक है, पिछली बार हुआ था, इस बार ऐसे होगा कि नहीं श्योर नहीं है, ऐसे हो भी सकता है, इस बात का भी चांस है। आपर्षित अभ्यर्थियों के मामले में क्रमांक 1 से 2 को जोड़ के 2 से भाग दिया जाएगा। नीचे में जो एसटीईटी के बारे में क्या लिखा हुआ है वो बड़ा अजीब मुझे लगा। अभ्यर्थियों के मेघा अंक में शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर निम्न प्रकार अतिरिक्त मेघा अंक जोड़े जाएंगे। 90% से ऊपर लाने वाले 10 नंबर, 80% से ऊपर लाने वाले 6 नंबर, 70% के ऊपर और 80% की तक लाने वाले 4 नंबर, और 55 से 70% तक लाने वाले 2 अंक। 55% पिछली बार मिनिमम मार्क्स था जो कि लोगों को लाना था कैटेगरी के अंदर सेलेक्ट होने के लिए, और 60% जनरल के लिए था। इस बार वो 45 इस बार मार्क्स कम कर दिया गया है। तो दोस्तों ये था, लेकिन इसमें बहुत अजीब बात ये है कि जो एसटीईटी पर के बेसिस पर लोगों ने मार्क्स लाया उसको वैल्यू बहुत कम दिया जा रहा है। 90% से ऊपर वालों को सिर्फ 10 नंबर जोड़ा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इस बार ऐसे होगा कि नहीं होगा मैं श्योर नहीं हूँ। बोर्ड भी इस बारे में अभी कंफ्यूज है, बोर्ड का कोई प्लान नहीं बना है। अगर बोर्ड का एक फिक्स था कि वो एक सेंट्रल लेवल पर एग्ज़ाम लेगा और वहीं से पटना से ही लोगों को अलग अलग ज़िलों में भेज दिया जाएगा बतौर टीचर, तो उसको अपने नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखना चाहिए था कि एग्ज़ाम के बाद आगे की प्रक्रिया क्या होगी। बोर्ड ने क्लियर नहीं किया, इसलिए अब बिहार में वैसे भी कोई पदाधिकारी काम करने को, कोई भी ऑफिसर काम करने को तैयार नहीं है। तो जैसे हो सकता है, पूरे पूरे चांस इस बात के हैं कि जैसे पिछली बार हुआ था वैसे ही हो जाए। पर एसटीईटी को वैल्यू बहुत कम दिया गया, एसटीईटी में जो मार्क्स आए उसको वैल्यू बहुत कम दिया गया, और जो सीबीएसई टीईटी होता है उसमें मार्क्स लाना मुश्किल होता है, उसके क्वेश्चन बिहार एसटीईटी से बेहतर होते हैं। वहाँ पर 90% नंबर लाना इतना आसान नहीं है। इवन बिहार में भी जो इस बार 150 नंबर का हो उसमें भी 90% नंबर लाना आसान नहीं है। 90% का मतलब है 15, 7, 22, मतलब तकरीबन 100, 126, 127, 128 के आसपास नंबर बनेगा। इस प्रकार के शिक्षक पात्रता परीक्षा के अतिरिक्त अंक जोड़ करके ये हो गया। अब स्नातक ग्रेड में क्या था, देखिए ये जो ऊपर आपने देखा वो मैट्रिक ग्रेड का था। स्नातक ग्रेड में मैट्रिक, इंटरमीडिएट और स्नातक तीनों के अंक जुड़ेंगे, जो कि 11-12 क्लास में वैसे ही होगा। और फिर से एसटीईटी को वैसे ही वैल्यू दिया गया है, 90% से ऊपर 10 अंक, 80% से ऊपर 6 अंक, इसी तरह से करके दिया गया है। नीचे मैं आपको इसको आप पाउज करके पढ़ सकते हैं जो नीचे लिखा हुआ है, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा इसलिए मैं स्किप करता जा रहा हूँ। देखिए, अब कमेटी में कौन कौन होंगे, जो नियोजन इकाई होगा उसमें कमेटी में कौन कौन होंगे। नगर निगम के महापौर मतलब मेयर, नगर निगम, देखिए ये पंचायत लेवल पर जो होता है उसका अलग होता है, ये मैं आपको शहरी इलाके का बता रहा हूँ। शहरी इलाके में क्या होता है, नगर निगम के नगर पालिका पदाधिकारी सदस्य सचिव, नगर निगम के शिक्षा समिति के एक चयनित सदस्य, जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य। ठीक है, ताकि SC ST कैटेगरी के लोगों के साथ कोई भेदभाव ना हो सके, इसलिए बैंक वगैरह के भी इंटरव्यू होते हैं वहाँ पर भी एक SC ST कम्युनिटी का कोई बंदा वहाँ पर रखा जाता है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ये भी रहेंगे। ठीक है, इन 5 लोगों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, बाकी अगर आप पंचायत लेवल पर जाएं तो उसमें लोग बदल जाते हैं, वहाँ पर जो पंचायत लेवल पर जो हेड होता है उसी को बुलाया जाता है। ये नगर परिषद का आप देख सकते हैं कौन कौन लोग हैं। अब देखिए, मेघा सूची का अनुमोदन यहाँ पर लिखा हुआ है। नियोजन समिति के सदस्य सचिव के द्वारा समिति की बैठक में मेघा सूची अनुमोदन हेतु रखा जाएगा।
मेगा सूची अनुमोदित हो जाने पर उसे सार्वजनिक किया जाएगा। किसी प्रकार की आपत्ति देने हेतु 15 दिन का समय रहेगा। प्राप्त आपत्ति का निराकरण कर 1 सप्ताह में मेगा सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। ठीक है, ये मेगा सूची वो कमेटी ही बनाएगी। और पिछली बार दोस्तों मैं आपको पुख्ता खबर बता रहा हूँ, मेरी जानकारी में है, जम के धांधली हुआ था। और इस कमेटी के लोग, जो ये कमेटी बनी थी, इन लोगों ने बहुत पैसे बनाए हैं, धांधली कर कर के बहुत पैसे बनाए हैं। मतलब इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। नियोजन पत्र कैसे निर्गत होगा देखिए। नियोजन इकाई को आवंटित पदों की संख्या अनुरूप चयनित अभ्यर्थियों की को समिति के सदस्य सचिव के हस्ताक्षर से निबंधित डाक के द्वारा नियोजन पत्र भेजा जाएगा। योगदान हेतु 30 दिनों का समय दिया जाएगा, जिसका उल्लेख नियोजन पत्र में होगा। विद्यालय के प्रधान द्वारा नियोजन पत्र की संपुष्टि नियोजन इकाई से कराने के उपरांत नियोजित अभ्यर्थियों का योगदान स्वीकार किया जाएगा। 30 दिनों के बाद रिक्त हो गए पदों पर पुनः रिक्तियों की संख्या के अनुसार मेगा सूची के आधार पर नियोजन पत्र निर्गत किया जाएगा। ठीक है, तो मतलब 2 लेवल पर था, अगर खाली रह जाने पर दोबारा भी, पिछली बार नियोजन पत्र जारी हुआ था 30 दिन का वेट करने के बाद। बाकी आप पॉज करके इसको और अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। ये शारीरिक शिक्षा 8 जो फिजिकल एजुकेशन वाले हैं, सभी लोग बस यही परे करें कि सीधे टीईटी जो है अपना एसटीईटी, बिहार एसटीईटी की जो मेघा सूची बने और उसी के हिसाब से सीधे लोगों को ज्वाइन करवाया जाए। मैट्रिक जो एकेडमिक रिकॉर्ड है उसको ना कंसीडर किया जाए और इस तरह की मेघा सूची ना बनाई जाए, क्योंकि अगर फिर इस तरह से किया जाएगा कि एकेडमिक रिकॉर्ड लाओ तो फिर सीबीएसई टीईटी वाले लोग भी एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद फिर मैं अगर नियोजन इकाई बैठेगी फिर करप्शन शुरू हो जाएगा, क्योंकि जितने लेवल पर जितने हाथों में ताकत जाता जाएगा, पावर जाएगा, उतना वो इंसान सोचेगा करप्शन के लिए। देखिए, अनुकंपा के आधार पर नियोजन, इसकी नियमावली पूरी दी हुई है, इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। प्रमाण पत्रों की जांच, इसको मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ, बहुत सारे फर्जी वाले भी हैं बीसीए करके जिन लोगों ने लिखा हुआ है। जो लोग सोच रहे हैं कि बहुत सारे फर्जी जितना है हिमालयन यूनिवर्सिटी और तरह तरह की यूनिवर्सिटी जहाँ से बनवाने के लिए सोच रहे हैं, वो लोग पढ़ें ज़रा पिछली बार कैसे जाँच हुआ था। नियोजन पदाधिकारी के द्वारा शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के सहयोग से नियोजित शिक्षकों के अनुदेशकों के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के की यथा आवश्यक जांच करा ली जाएगी। प्रमाण पत्र जाली या गलत पाए जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियोजन रद्द कर दिया जाएगा और आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। समय पर प्रमाण पत्रों की जाँच कर लेना और नियोजन पदाधिकारी की जवाबदेही होगी। जाली गलत प्रमाण पत्रों के नियोजक शिक्षकों के अवैध भुगतान के लिए वे जिम्मेदार होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों यह है कि नियोजन इकाई को ही ये जिम्मेदारी सौंप दिया गया है कि आप ही लोग जांच करो। अब वो कैसे जांच करेगा भाई, किसी मेयर को या किसी और जो तरह तरह का जो पॉलिटिकल पोस्ट पर बैठा हुआ बंदा, वो कैसे जांच करेगा। इसीलिए पिछली बार बहुत बड़े पैमाने पर जाली सर्टिफिकेट बना के लोगों ने, और पिछली बार सैलरी का देख लीजिए, ये अब चेंज हो गया है, ये पहले था ऐसा, ये अब चेंज हो चुका है। वेतन में बढ़ोतरी के लिए ये वाला हिस्सा आप पढ़ सकते हैं जो अभी आ रहा है आपके स्क्रीन पर, जो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, पूरा वेतन का बढ़ोतरी वाला है। सेवानिवृत्ति की जांच, ठीक है, सेवानिवृत्ति देखिए, नियोजित शिक्षक एवं अनुदेशक 60 वर्षों की आयु पूर्ण होने की तिथि सेवानिवृत्त होंगे, 60 साल तक नौकरी है। स्थानांतरण देखिए इसमें क्या है, ट्रांसफर के लिए क्या लिखा हुआ है उसको आप पढ़ सकते हैं। सामान्यतः प्रारंभिक शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, उन्हें अपनी सेवा काल के 3 वर्षों के बाद अपनी नियोजन इकाई में ही अधिकतम 2 स्थानांतरण लेने की सुविधा होगी। 2 स्थानांतरण के बीच कम से कम 5 वर्षों का अंतर होना चाहिए। स्थानांतरण अपनी ही शिक्षक में श्रेणी में दिया जाएगा। इसको भी बाकी जितने भी और पद नियमावली हैं इन सबको आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। प्रोन्नति क्या है देखिए, अब प्रमोशन की बात आ गई, प्रमोशन किस बेसिस पर होगा इसमें, इसको आप पूरा पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके, इसको भी आप चाहें तो पढ़ लें, ये प्रमोशन का क्या रूल रेगुलेशन है। अनुशासनिक कार्रवाई, ठीक है, आपने कुछ भी गड़बड़ किया तो आपके खिलाफ जो कार्रवाई होगी इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, दंड के स्वरूप क्या क्या लिखा हुआ था वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, ये मैंने स्किप कर दिया, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। आपने कुछ भी डिसिप्लिन तोड़ा तो आप देखिए, सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है निंदन, उसके बाद लिखा हुआ है प्रमोशन में रोक, उसके नीचे लिखा हुआ है कि सैलरी नहीं बढ़ेगी, ये 3 बातें लिखी हुई हैं।
और ये लघु वाला था, विहित वाले में अवनति लिखा हुआ है और सेवा च्युति को जो भविष्य में किसी नियुक्ति नियोजन हेतु निहर्ता नहीं होगा, हमेशा के लिए आप जॉब खत्म और जॉब में वापस आ भी नहीं सकते हैं। छुट्टी के लिए क्या रूल है वो आप पढ़ सकते हैं इस हिस्से में, ये पूरा पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। 16 दिनों का आकस्मिक अवकाश देय होगा, साल भर में 16 छुट्टियां महिलाओं के लिए ज़्यादा हैं। बाकी आप इसको पूरा अच्छे तरह से पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था पूरा, इसका मैंने 13 पेज आपको पढ़ा दिया। इसको आप वेतन भुगतान के लिए देख सकते हैं, वेतन भुगतान वाला हिस्सा आ गया आपके सामने। ठीक है, तो मेन मेन हिस्सा सारा हो गया जो था, इसको आप पॉज कर करके जगह जगह पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी जो कट ऑफ वाला शीट भी रेडी है ऑलमोस्ट, आज मैं उसमें 2-3 घंटा का काम है, क्योंकि जिन लोगों ने गलत तरीके से एंट्री की है उनको बाहर करके उसके बाद में मार्क्स को सॉर्टिंग करके घटते हुए क्रम में आज उसका कट ऑफ का वीडियो मैं बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। थोड़ा उसमें टाइम लगेगा इसलिए थोड़ा डिले हो रहा है, पर जैसे ही मैं थोड़ा फ्री हो जाता हूँ मैं उसको कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, बाकी एसटीईटी के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।